मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू ए पी एम लाइफ साइंस अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वाटर। वाटर डिस्कस किया था और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स डिस्कस किए थे और एक डिजीज की थी, नारू डिजीज, ड्रैकनकुलिनेसिस। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर रक्तदाब है क्या? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टरीज, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टरीज टू द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड बीपी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टरीज टू द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड बीपी। यानी मीन्स क्या इसका, आर्टरीज के द्वारा ब्लड फ्लो के दौरान जो प्रेशर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर रक्त दाब ये एक नॉर्मल बीमारी है, यह एक नॉर्मल डिजीज है जो हमें काफ़ी सुनने को मिलती है। अब बीपी, ह्यूमन नॉर्मल बीपी जो होता है ह्यूमन का, एक हेल्दी ह्यूमन का 82 120 mmHg मीन्स 80 से बिलो नहीं होना चाहिए और 120 से अप नहीं होना चाहिए। 80 से बिलो नहीं होना चाहिए और 120 से अप नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टरीज टू द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड बीपी। बीपी की हेल्दी पर्सन में नॉर्मल रेंज होती है 80 to 120 mmHg, यानी ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो एक हेल्दी पर्सन में होनी चाहिए वो क्या होती है, 80 to 120 mmHg। ये हमारे लिए याद रखने वाली बात है कि बीपी की जो नॉर्मल रेंज है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 80 to 120 mmHg। अब बीपी जो है टू टाइप्स का नॉर्मली हमने सुना है हाई बीपी एंड लो बीपी, हाई बीपी एंड लो बीपी। हम देखें टू टाइप्स, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। फर्स्ट सिस्टोलिक बीपी, सेकेंड डायस्टोलिक बीपी। अब ये सिस्टोलिक बीपी क्या है, डायस्टोलिक बीपी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, हम देखें। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4-chambered होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 4-chambered, 2 auricle and 2 ventricle, 2 auricle और 2 ventricle, यानी 2 alind और 2 nil है। यानी ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 4-chambered। अब सिस्टोलिक बीपी देखें क्या है, सिस्टोलिक बीपी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग प्रेशर, प्रेशर के दौरान जो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सिस्टोलिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोल। व्हाट इज सिस्टोल? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग प्रेशर, प्रेशर के दौरान, दबाव के दौरान जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोल। डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। ड्यूरिंग प्रेशर के दौरान, प्रेशर के दौरान जब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। अब सिस्टोलिक बीपी 120 mmHg इज SBP, जो हाई रेंज होती है 120 mmHg इज SBP और 80 mmHg इज DBP। 80 जो mmHg है वो डायस्टोलिक बीपी लो में आएगा और आई में 120 mmHg इज हाई बीपी। अब 120 mmHg से जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ज़्यादा बीपी होगा 120 से, तो इज कॉल्ड हाई बीपी। और जब 80 से कम होगा प्रेशर, 80 से कम होगा, बिलो 80, तो लो बीपी, इज कॉल्ड लो बीपी, एल बीपी। SBP कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग प्रेशर, प्रेशर के दौरान जब कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इज कॉल्ड SBP। रिलैक्सेशन ऑफ
लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड डायस्टोलिक बीपी. तो बीपी, व्हाट इज बीपी? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टरीज टू द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर की, बीपी की नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 80 to 120 mmHg. टू टाइप्स का सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी. कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड सिस्टोलिक डायस्टोल बीपी. रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल 120 mmHg इज SBP. 80 mmHg इज DBP. 120 से ज़्यादा हाई बीपी और 120 से कम बिलो लो बीपी. अब बीपी हमें पता चल गया कि बीपी है क्या, स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे आई है. अब इसे किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, डॉक्टर हमारे हैंड में लगाता है, पंपिंग करता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट है, उसका क्या नाम होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर. किससे मापते हैं बीपी को? स्पिग्मोमैनोमीटर. अब इसकी इंस्ट्रूमेंट की ओर किसने डिस्कवर किया, किसने खोज की थी? इन 1733 में स्टीफन हेल्स ने. कौन से साइंटिस्ट थे? स्टीफन हेल्स, जिन्होंने हॉर्स में सबसे पहले बीपी को मापा था. फर्स्ट टाइम मेजर्ड इन हॉर्स में. सबसे पहले किसमें मेजर्ड किया था? हॉर्स में. तो बीपी की हमने डेफिनेशन देखी. नॉर्मल रेंज क्या होती है? 80 to 120 mmHg. इंस्ट्रूमेंट स्पिग्मोमैनोमीटर. किसने डिस्कवर किया? स्टीफन हेल्स ने. फर्स्ट टाइम मेजर किया हॉर्सेस में. अब देखिए, जब हमारा जो बीपी है स्टैंडर्ड लेवल कौन सा है? 80 to 120 mmHg. स्टैंडर्ड लेवल क्या है? 82 एक हेल्दी पर्सन का, स्वस्थ मनुष्य का स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है? 80 to 120 mm नॉर्मल रेंज. यदि इससे बिलो हो जाए, 80 से क्या हो जाए, कम हो जाए, बिलो हो जाए, तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी जो होती हैं, उनको ऑक्सीजन की पूर्ति, सप्लाई जो है पूरे रूप से, इनफ, पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती, जिससे ये वाइटल ऑर्गन जो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और रिजल्ट परमानेंटली क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और रिजल्ट क्या होता है? डेथ होता है. जब क्या होता है, जो बीपी है हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड लेवल से, जो स्टैंडर्ड लेवल है हमारा 80 to 120 mmHg, यानी 80 से क्या हो जाए, बिलो हो जाएगा, तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं लाइक किडनी, ब्रेन, हार्ट, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ रूप से, पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है, जिससे हमारे जो ऑर्गन होते हैं परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं. अब हमारे पास दो टर्म आती है, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन. टाइप्स, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन. हाइपरटेंशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ओबेसिटी जब टॉपिक डिस्कस किया था. ओबेसिटी, मोटापा, ये किससे होता है? फैट रिच सब्सटेंस, जब हम बहुत ज्यादा फैट रिच फूड लेते हैं, जिससे एक्यूमुलेट हो जाती है हमारी बॉडी में जो फैट, क्या हो जाती है? एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसे हमने क्या कहा था? ओबेसिटी कहा था. क्या कहा था? ओबेसिटी, जिससे हमने एक डिजीज का नाम पढ़ा था हाइपरटेंशन. क्या पढ़ा था? हाइपरटेंशन. तो देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन. हाइपरटेंशन, बीपी इज कॉन्स्टेंटली हायर देन नॉर्मल रेंज. जो बीपी है वो हायर देन किससे? नॉर्मल रेंज से क्या हो जाए? ज्यादा. नॉर्मल रेंज क्या है? 80 to 120. यदि 120 mmHg से बीपी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो इस कॉल्ड क्या हो जाती है? हाइपरटेंशन. क्या हो जाती है? हाइपरटेंशन. इस कॉल्ड हाई बीपी. इस कॉल्ड हाई बीपी. जब बीपी इज कॉन्स्टेंटली हायर देन नॉर्मल रेंज, बीपी जो होता है बढ़ जाए कॉन्स्टेंटली, अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, यानी 120 से क्या हो जाए, बीपी ज़्यादा हो जाए, तो वो हाइपरटेंशन. कॉल्ड हाई बीपी. इसके कारण कैसे होता है? ओबेसिटी, डायबिटीज, ओल्ड एज फॉर्म कॉज हाइपरटेंशन. ओबेसिटी, डायबिटीज, ओल्ड एज फॉर्म कॉज हाइपरटेंशन. ओबेसिटी हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था. फैट रिच डाइट लेने से ओबेसिटी किस
किससे होती है? अब ओबेसिटी से हो रहा है तो ओबेसिटी किससे होती है? फैट रिच डाइट से। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया ओबेसिटी किसके कारण, मोटापा किसके कारण, फैट रिच डाइट। उसका रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो आर्टरीज है वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। आर्टरीज क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, और आर्टरीज ब्लॉक होने से हाई बीपी प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाई बीपी, इज कॉज्ड हाई बीपी। एक बार देखें सीक्वेंस में कि बीपी इज कॉन्स्टेंटली, जब बीपी जो है नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल रेंज 80 to 120 से अबव बीपी हो जाए तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसके कारण? ऑबेसिटीज, डायबिटीज, नॉर्मली और ओल्ड एज के कारण भी बीपी हो सकता है, कॉल्ड हाइपरटेंशन। अ फैट रिच डाइट के कारण क्या होती थी? ऑबेसिटी, जिससे क्या होता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। जब हम फैट रिच डाइट ज़्यादा लेते हैं तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो हमारी आर्टरीज क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक आर्टरीज से ही क्या होता है, हाई बीपी। अब लॉन्ग टाइम तक यदि हाई बीपी बना रहता है, तो कौन सी डिजीज हो जाती है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इट इज हार्ट डिजीज। कौन सी डिजीज हो जाती है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इट इज ए हार्ट डिजीज। बुक में क्वेश्चंस भी मेंशन किया है व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो यहीं से ही जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं पुट अप होते हैं। इन द लॉन्ग रन हाई बीपी, यदि लंबे समय तक बीपी हाई बना रहता है तो कौन सी डिजीज? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इट इज ए हार्ट डिजीज। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपोटेंशन क्या है। हाइपोटेंशन, व्हेन बीपी फॉल्स बिलो द नॉर्मल रेंज, बीपी की जो नॉर्मल रेंज है 80 to 120, उससे क्या हो जाए, 80 से बिलो हो जाए, इज कॉल्ड हाइपोटेंशन, इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। डिफरेंस देखें हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। बीपी इज कॉन्स्टेंटली हायर देन, यदि हायर देन नॉर्मल रेंज हाइपरटेंशन, बिलो द नॉर्मल रेंज, बीपी फॉल्स बिलो द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। डिफरेंस हायर देन नॉर्मल रेंज हाइपरटेंशन, बिलो द नॉर्मल रेंज हाइपोटेंशन। ये बताया हमने आपको ओबेसिटी, डायबिटीज इसके कारण होती है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है फैट रिच फूड लेने से ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, इससे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉक होने का से क्या होगा, हाई बीपी। अब इसमें देखें नॉर्मल रेंज से क्या हो जाए, बिलो हो जाए, इस कॉल्ड हाइपोटेंशन का रिजल्ट। अभी हमने देखा लास्ट टॉपिक में हाइपोटेंशन रिजल्ट इन रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनीज, दिस में रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज टू दीज ऑर्गन एंड मे रिजल्ट ऑल्सो रिजल्ट इन डेथ। यदि हमारे जो ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन, हार्ट, किडनीज, उनको ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपरली नहीं मिलेगी, इनफ नहीं होगी, तो वो क्या होंगे, परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे और रिजल्ट इज कॉज डेथ। अब कैसे रोके प्रिवेंशन, देखिए टेकिंग बैलेंस डाइट। स्टार्टिंग के चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने बैलेंस डाइट पढ़ी थी, बैलेंस डाइट, टेकिंग बैलेंस डाइट क्या लेनी चाहिए, जो पर्सन होते हैं उन्हें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, लो फैट युक्त भोजन लेना चाहिए, हाई फाइबर, हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन है, हमारी डाइट में फैट लो होनी चाहिए, फाइबर्स हाई होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज से भी हम बीपी को कम कर सकते हैं, फूड रिच इन पोटेशियम, हम जो फूड ले रहे हैं उसमें पोटेशियम तत्व, पोटेशियम एलिमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है एडुकेट अमाउंट, अच्छे अमाउंट में होने चाहिए, और हमें पैक्ड और जंक फूड नहीं लेने चाहिए, स्टॉप्स पैक्ड फूड एंड जंक फूड, कंटेन फाइबर्स, हमारे जो फूड है उसमें फाइबर्स लेने चाहिए, और रेगुलरली एक्सरसाइजेस एंड योगा करनी चाहिए। तो हमने बीपी देखा आपकी बीपी टू टाइप्स का, उसकी क्या बोलते हैं नॉर्मल रेंज क्या होती है 80 to 120, 80 से बिलो हो जाता है तो वो हाइपोटेंशन, और 120 से अबव हो जाता है तो हाइपरटेंशन, और उनको कैसे रोकें,
कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, लो फैट होना, बैलेंस डाइट में लो फैट होना चाहिए, फाइबर्स रिच होने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड योगा करनी चाहिए, और जो फूड है उसमें पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, फाइबर्स युक्त भोजन हमें लेना चाहिए। तो आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, टॉपिक डिस्कस किया कि हाइपरटेंशन, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और बीपी, इन सब पर, और डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। इससे हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो होते हैं। हमारी वर्कशीट में ये सब क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे। तो इन्हें हमें आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, बीपी के बारे में, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये सब डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम टॉक्सिक सब्सटेंस डिस्कस करेंगे, जो हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस। थैंक यू एवरीवन।